तो दोस्तों यहाँ पर YouTube पर एक जो कि अपडेट है काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो अपडेट निकला है जो कि YouTube शॉर्ट्स को लेकर, क्योंकि कई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने उस अपडेट के ऊपर वीडियो बना दी और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर YouTube शॉर्ट्स की वीडियोज हैं उनका अब से जो कि वीडियो मोनेटाइज होंगी, उन पर एड्स देखने को मिलेंगे। उनके अलावा यहाँ पर आपको यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियोज का जो वॉच टाइम है वो भी यहाँ पर मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया के लिए काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके का अपडेट निकल के जो कि आया ऐसा बता रहे हैं बड़े यूट्यूबर। और भी यहाँ पर बात की जाए तो कई लोगों के जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर देने वाला हूँ कि यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स की जो वीडियोज वो सच में मोनेटाइज होंगे कि नहीं, और या फिर उनका जो वॉच टाइम वो भी काउंट सच में होगा कि नहीं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली, क्योंकि यहां पर आपको पता है YouTube से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी से जो कि ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर बात की जाए तो फ्रेंड्स यहां पर YouTube शॉर्ट्स को लेकर जो अपडेट निकल के आया था बहुत पहले आ चुका था, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो में मैंने जो चीजें बताई थी यानी कि यूट्यूब शॉर्ट्स का जो वीडियो है वो बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होगा। उसके अलावा उस वीडियो का जो मोनेटाइज मतलब उस पर आपको जो वॉच टाइम मिलेगा वो भी जो कि मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया के लिए नहीं माना जाएगा। तो वही अपडेट अभी तक है, यूट्यूब का कोई अपडेट निकल के नहीं है, एक किसी यूट्यूबर ने जस्ट एक वीडियो बना दिया है तो सभी मतलब वही है उसको कॉपी पेस्ट करने लगे, सब लोग मतलब इधर उधर गलत वीडियोस बनाए जा रहे हैं देखे देख। तो एक चीज में जो कि मैं बताई दिया हूं क्लियर कर दिया हूं कि ऐसा कोई यूट्यूब का अपडेट ही नहीं निकल गया है। अब बात करें तो फ्रेंड्स यहां पर जो कि सच में ये अपडेट निकला है कि नहीं या फिर या ऐसा कोई फीचर मतलब आया कि नहीं कि यूट्यूब शॉर्ट्स का जो वॉच टाइम वो काउंट होगा कि नहीं, तो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो यूट्यूब शॉर्ट्स जो कि बहुत मतलब पुराना हो चुका है अब तो, और यहाँ पर बात की जाए तो YouTube शॉर्ट्स के अलावा यहाँ पर पहले एक चीज में क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो तो पहले जो YouTube शॉर्ट्स की से पहले भी लोग मतलब वर्टिकल में वीडियोस डाला करते थे, यानी मोबाइल को ऐसे रख के, यानी कि ऐसे रख के नहीं जो कि लैंडस्केप में ऐसे रख के वो वीडियोस क्रिएट किया करते थे और उनको यूट्यूब पर डाला करते थे, और वो वीडियोस जो कि मोनेटाइजेशन में आती थी बिल्कुल उनमें कोई दिक्कत नहीं होता, उनका वॉच टाइम भी काउंट होता था। तो यूट्यूब शॉर्ट्स जैसी है तो बस यूट्यूब शॉर्ट्स का जो फीचर है उसकी वजह से यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं वो क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो तो यूट्यूब शॉर्ट्स की जो लिमिट होती है वो ड्यूरेशन रहती है कुछ 16 सेकंड। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियो को और भी लेंथी करना चाहते हो तो आप लोगों को पता हो तो 16 सेकंड से अगर आप कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हो ठीक है, उसमें आपने बस यूट्यूब हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स लगा दिया या हैशटैग शॉर्ट्स लगा दिया ऐसे कुछ, और वो वीडियो आपने जो कि पब्लिश कर दी यूट्यूब पर, तो वो यूट्यूब जो वीडियो है वो शॉर्ट्स में चली जाएगी ठीक है। यानी कि आप जो शॉर्ट्स का जो फीचर होता है उसमें जाके उस वीडियो को देख सकते हो, कहीं ना कहीं जो कि लोग देखते हैं ना टिकटॉक वगैरह उनकी तरह यूट्यूब शॉर्ट्स जो कि शॉर्ट्स को, तो वहां पर आपको वो वीडियो आपकी वो वहां पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन बात की जाए तो अब यहां पर जो चीजें हैं वो क्लियर कर देने वाला हूं। तो यहां पर यूट्यूब शॉर्ट्स है, अगर आप वहीं से जो कि YouTube Shorts के फीचर से वीटा वाला जो कुछ लिखा रहता है क्रिएट जो कि YouTube Shorts में, तो वहां से अगर आप कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हो ठीक है, शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हो, और क्रिएट करते टाइम आपने वहां पर जो कि वो क्रिएट की और उसमें से वहीं से मतलब म्यूजिक उसमें ऐड कर दिया, यानी कि बॉलीवुड या हॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग ऐड कर दिया और वो पब्लिश कर दिया आपने, तो यहां पर वो वीडियो बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि उस पर तो कॉपीराइट आ जाएगा और ना ही वो मतलब कहीं और से भी मतलब आप उसे देखोगे तो भी मतलब काउंट नहीं हुआ उसका वॉच टाइम, या फिर उस पर ना ही ऐड देखने को मिले कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा उस पर। अब बात की जाती है फ्रेंड्स यहाँ पर अगर जो कि वही वीडियो जो कि आप डाल रहे हो वहीं से वीटा से ही जो कि क्रिएट शॉर्ट से ही, और वहां पर आपने जो कि वीडियो में कोई भी म्यूजिक ऐड नहीं किया, आपने वो वीडियो है जो कि क्रिएट की और वो सिंपल सी थी उसमें कोई म्यूजिक नहीं था, आपकी वॉइस वगैरह थी ऐसा कुछ, या फिर आपने कोई वीडियो पहले से ही ऑलरेडी जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है वो रिकॉर्ड करके उसमें डाल दी, उसमें भी कोई म्यूजिक नहीं होना चाहिए। अब बात की जाए फिर आपने कोई क्रिएट की और क्रिएट करने जो कि फोन से मतलब एडिट करके और वो आपने डाली, उसमें भले ही आपके जो कि सॉन्ग नहीं होने चाहिए वही बॉलीवुड वाले, उसमें आपने NCS के सॉन्ग यूज कर लिया, फिर उसके अलावा आपने उनको क्रेडिट भी दे दिया हाँ, या फिर उसमें आपने जो कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी रहती है उसके आपने म्यूजिक कोई ऐड कर लिया और वो वीडियो आपने जो कि वहां से डाल दी, अब डाल दी तो फ्रेंड्स सॉरी तो वो वीडियो जैसे ही कोई उस वीडियो को देखेगा तो उसका जो वॉच टाइम है वो बिल्कुल काउंट होगा, और हो सकता है कि यहाँ पर उस वीडियोस पे आपको मोनेटाइजेशन देखने को मिले कब, यानी कि आपने वो वीडियो डाल दी, आपने जो कि फिर से यूट्यूब चैनल पे गए और जो कि मोनेटाइजेशन में जाके आपने उस वीडियो का जो कि मोनेटाइजेशन अवेलेबल कर दिया, तो वो वीडियो को अगर कोई देखेगा कहां से देखेगा, अब मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं, दो हैं इसके भी मतलब तरीके, कोई YouTube Shorts के फीचर्स देखेगा यानी कि YouTube Shorts का जो YouTube सेल्फ पर रहता है उससे अगर जो कि सेक्शन उसमें जाके कोई उस वीडियो को देखेगा वो वीडियो वहां पर देखने को मिलेगी, तो उसका कोई भी वॉच टाइम और ना ही उस पर कोई ऐड देखने को मिलेगा ठीक है। अब बात आ गई सॉरी वो वीडियो आपने देखी कहां से, यानी कि आपने वो वीडियो देखी कहीं और से, यानी कि या तो ब्राउज फीचर्स में से देख ली, यानी कि आपने यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते तब देख ली, या फिर आपने कोई सजेशन में देख लिया, यानी कोई वीडियो देख लो उसके नीचे सजेशन में आ गई, या फिर यानी कि नोटिफिकेशन के थ्रू देख लिया आपने, या फिर और भी जो होते हैं यानी कि कोई लिंक विंक शेयर की वहां से देख ली, या फिर
काफी सारे मतलब सोर्स होते हैं ट्रैफिक सोर्स, अगर वो वीडियो आपने उन ट्रैफिक सोर्स से देखी तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपने उस वीडियो को एडिट करके और आपने मोनेटाइजेशन उसका लेवल कर दिया है तो बिल्कुल उस वीडियो पर आपको एड देखने मिलेंगे, क्योंकि वो वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं मतलब हो चुकी है, वो शॉर्ट से नहीं देख रहे हैं आप, उसे देख रहे हैं नॉर्मल तरीके से, यानी कि वो वीडियो नॉर्मल तरीके की हो गई तो आपने वो वीडियो वहां से देखी है तो बिल्कुल उस वीडियो पे आपको एड देखने मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर उस वीडियो का वॉच टाइम भी बिल्कुल आपके जो कि मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया में काउंट होगा। अगर आप वही वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट्स वाले सेक्शन में देख रहे हो यानी कि फीचर्स में देख रहे हो तो वो वीडियो का वॉच टाइम बिल्कुल काउंट नहीं होगा, ना ही उस पर एड देखने मिलेंगे, क्योंकि दोनों जगह उस वीडियो का मतलब अलग अलग होगी वो तरीका उसका, एक तो वो नॉर्मल रह गई, एक जगह होगी वो यूट्यूब शॉर्ट्स की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है यूट्यूब शॉर्ट्स का फीचर। इस तरीके का कोई अपडेट आया नहीं था, लोगों ने जस्ट एक तरीके अफवाह फैलाई हुई है, गुड न्यूज बोल रहे हैं ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। साथ में यहाँ पर बात की जाए तो यूट्यूब शॉर्ट्स आपको पता है वर्टिकल तरीके से मतलब रिकॉर्ड की जाती है, और भी चीजें आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स को मतलब आपको क्रिएट करते हो आप लोग भी, तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको बिल्कुल हैशटैग शॉर्ट लिखना है, जो कि टाइटल में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, तो ही आपकी वीडियो वो यूट्यूब शॉर्ट्स में जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि YouTube शॉर्ट्स की वीडियोस की रिकमेंडेशन काफी ज्यादा रहती है, यानी कि वो वीडियो नॉर्मल वीडियो की तरह काफी ज्यादा उसको लोग देखते हैं। अब बात की जाए और भी चीजें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर काफी ज्यादा YouTube शॉर्ट्स की वीडियोस अभी चल रही हैं, तो आप लोगों से मैं बोलूंगा कि यहाँ पर कई कई लोगों के मतलब चैनल बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, कईयों के मिलियन हो गए सब्सक्राइबर, कईयों के लाख लाख से ऊपर है, तो आप भी अपना YouTube चैनल क्रिएट कर रहे हो तो बिल्कुल करो, और यहाँ पर जो कि YouTube शॉर्ट्स की वीडियोस वहां पर आप डालो, नया चैनल क्रिएट करोगे तो ज्यादा मतलब वहां पर रेस्पॉन्स मिलेगा, पुराने वाले चैनल से इतना नहीं मिलेगा, नए वाले पे ज्यादा मतलब शॉर्ट्स डालोगे आप तो बिल्कुल वो चैनल बहुत जल्दी से बूस्ट करेगा, इतने जल्दी बूस्ट करेगा तो क्या कहना, क्योंकि बहुत ज्यादा चैनल बूस्ट हो रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि यूट्यूब ट्रेंडिंग वाला सेक्शन उसमें भी यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियोज देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो और यूट्यूब इस फीचर को ज्यादा मतलब रेस्पॉन्स भी दे रहा है, क्योंकि अभी ज्यादा फीचर मतलब नया ही आया था इस वजह से। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर होगी, कोई अपडेट नहीं आया, पहले वाला अपडेट है, बस चीजें थोड़ी इधर उधर हो गई है। अपडेट आप लोगों को ये जो भी था मतलब मैंने आपको क्लियर किया, उसके लिए ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पे, और इसको लेकर अगर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।